नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम। आप सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ी है नाजिया इलाही खान। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, आखिर किस वजह से, किस कारण से जो मुस्लिम समुदाय है भारत का, या फिर जो यहाँ पे बांग्लादेश और रोहिंग्या आए हैं, ये पाकिस्तान के झंडे को हमेशा आगे कर देते हैं। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई तो उनकी जीत के नारे लगाए जा रहे थे हैदराबाद में। आखिर उन्हें क्या क्या मिलता है, क्या खुशी मिलती है उस बात से? जी नाजिया, ओवर टू यू। मैं सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खोलूंगी गायत्री जी, क्योंकि मैं बदनाम हूँ इस चीज के लिए कि मैं हमेशा इतिहास के पन्ने खोलते रहती हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। 1955 में हम भारतीय नागरिकों में से किसी को नहीं भूलना चाहिए कि 1955 में चाचा नेहरू ने पूरे भारतीय नागरिक को मामू बनाया था। और सऊदी अरबिया के शहजादे के विजिट पर, भारत में विजिट पर, उन्होंने लगभग तमाम भारत के मंदिरों पर पर्दा ढकवा दिया था और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का एक बैनर टंगवा दिया था। यहाँ से उत्साह मिली भारत के मुसलमानों को। उसके बाद 12 फरवरी 2023 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम लीग के जो बहुत बड़े जनरल सेक्रेटरी, जो भारत में मुस्लिम कौम के धर्म के ठेकेदार हैं, मौलाना अरशद मदनी ने अपने अपनी एक बयानबाजी की थी कि इस्लाम जो है वो भारत से ही स्टार्ट हुआ था। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और मैंने कई डिबेट में उनसे ये बात पूछा भी, पर वो गुस्से में आ गए कि अगर भारत से इस्लाम स्टार्ट हुआ था तो फिर करबला की तरफ, तो फिर हम कबला की तरफ हम मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हज करने के लिए यहाँ के मक्का मदीना क्यों जाते हैं? कुरान में ये बातें क्यों बताई गई हैं कि आदम अलैहि सलाम को जमीन पर उतारा जब गया था तो वो मक्का मदीना की जगह थी। तो ये बातें, इन बातों का जवाब इनके पास होता नहीं है। ऐसे कंफ्यूजन में हम लोगों को डाल कर रखा है ये जितने भी भारत के धर्म के ठेकेदार हैं, मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना राशिद साजिद रशीदी हैं, ये सारे के सारे लोग कुछ ऐसी खुराफाती बातें करते हैं टीवी चैनलों में, खिड़कियों में बैठ करके, और ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे ये उस ना ही उस डिबेट पर जीत पाते हैं, पर कहीं ना कहीं भारत के उन मुसलमानों को जिनके पास पहले से ही क्रिमिनल माइंड है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्लाम की किताब में जिहाद जैसी चीजें पढ़ी हैं, होली वॉर जैसी चीजें पढ़ी हैं, उनको उत्साह मिलती है, उनको प्रोवोकेशन मिलता है और भी ज्यादा आगे बढ़ करके अजमल खसब जैसा रूप धारण करने में। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक पर आपने मुझे आज ज्वाइन करवाया है। इवन अभी थोड़ी देर पहले मैं नेशनल न्यूज पर इसी टॉपिक पर थी कि ये जो है, ये इंसिडेंट जो है, ये बुधानपुर अली अलीगंज में ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश, जिसके जो भगतपुर पुलिस स्टेशन मुरादाबाद के अंडर में आता है, उत्तर प्रदेश का जो ये मुरादाबाद है उसी की घटना है। रईस को, जो जो बाप बेटे जो कपड़े का कारोबार करते हैं, उन्होंने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा होस्ट किया। अभी फिलहाल वो जेल हिरासत में है अंडर सेक्शन 153 और 153B के धारा के अनुसार ये अंदर जेल में है। अब बात आती है कि रईस और सलमान जो अरेस्ट हुए हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा, अब जितने भी मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं उनका कहना ये हो रहा है कि मुसलमानों को डिप्राइव किया जा रहा है। ये बेसिकली स्पाई हैं पाकिस्तान के, और यही लोगों की टिप्पणियों और ऐसे ही लोगों के स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान बूम लेकर के 24 घंटा ये गाना गाता रहता है कि भारत में मुसलमान जो है वो डिप्राइव है। जी अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया झंडे लेकर मिर्ची लगाने का। और ये और क्या क्या तरीके हैं जिससे ये भारतीयों को, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, क्योंकि भारत एक सिर्फ वो नहीं है, जमीन ही है, एक ही इमोशन है, हमारी धरती माँ है, और बाकी भारतीयों को ये किस किस तरीके से और मिर्ची लगाते हैं? झंडा तो एक हो गया, दूसरा? दूसरा हो जाता है गायत्री जी कि जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो तो या तो वो किसी क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार करते हैं या तो वो किसी हिंदू लड़की का बलात्कार करते हैं। आप डेटा उठा करके देख लीजिए, क्योंकि इन डेटा से मैं हर रोज जूझती हूँ और हर रोज सामना करती हूँ। तो अगर इस पर कोई भी नेगेटिव क्वेश्चंस या आंसर्स आते हैं आपके पास कमेंट बॉक्स में, तो मुझे जरूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं वो सारे डेटा आपको दे दूं और आप इसमें इसमें अटैच कर दीजिएगा कि मुसलमान लड़के, हमेशा आप देखिएगा कि फॉरेनर लड़की, क्रिश्चियन लड़की और या तो फिर हिंदू लड़की को ही टारगेट करते हैं। 5 बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में
चर्च में एंटर करके एक नन का बलात्कार करते हैं, और वो भी 72 ईयर्स नन का। अब आप मुझे बताइए कि ये मिर्ची लगाने का ही तो काम था, अदरवाइज 72 ईयर्स की नन का बलात्कार करना, ये कौन सा सेंस बनता है? ये मिर्ची लगाने का ही तो काम होता है, हो रहा है। बंगाल में दो मुसलमान भाई, नासर खान और कादर खान, एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार करता है मूविंग कार में उसको बैठा करके, तो ये क्यों कर रहा है? मुसलमान लड़कियों का बलात्कार वो नहीं करते हैं, वो जानबूझ करके इंटेंशनली इंटेंशनली वो हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों का ही बलात्कार करते हैं, और ये डेटा कह रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, हिंदू लड़कों में इतना सिविलाइजेशन होता है, इतना सिविलाइजेशन होता है कि वो हमें कभी भी बुरी नजरों से या गलत तरीके से हमें समझा बुझा करके, कन्विंस करके, प्यार मोहब्बत में हमारे धर्म परिवर्तन के बारे में कभी भी बात नहीं करते। एक तो मुसलमान लड़कियां रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी हिंदू लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाती है, पर सामने से हिंदू सनातनी लड़का यही कहता है कि तुम अपने धर्म को रिस्पेक्ट करो और तुम मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करो, मैं मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करूंगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इंटेंशनली मिर्ची नींबू मसाला लगाने के लिए मुसलमान लड़के हमेशा हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसाते हैं और उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। पाकिस्तान के झंडे लगाना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर भारत में हो जाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, अगर अवेसी जैसा कोई व्यक्ति अगर अपना अपनी भाषण रख रहा है तो उसमें औरंगजेब और पाकिस्तान की नारेबाजी लगाना, ये सारी चीजें उन भारतीय नारियों के कलेजे को छलनी करने वाली चीजें होती हैं, जिससे इनको पता होता है कि जो लोग इस अखंड भारत से, इस भूमि से, इस भारत माता से, इस संविधान से, और यहाँ के संस्कृत से, यहाँ की संस्कृति से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको हर्ट होगा। तो देखिए, इस्लाम में हर्ट करना बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया गया है, एंड दिस इज द रीजन कि ये लोग हमेशा हर्ट करने का वो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं मुसलमान मर्द, जिससे वाकई में इंसान को, सामने वाले को हर्ट हो जाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस हिसाब से पिछले 9 साल में एकदम ईंट का जवाब पत्थर और कानूनी तरीके से दिया जा रहा है, वो बहुत जबरदस्त चीज है, और यही वजह है कि आज ये सीना कूट रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि भारत में मुसलमान डिप्राइव हो रहे हैं, क्योंकि इनको बलात्कार करने की सजा बहुत कड़ी मिल रही है, क्योंकि इनको तिरंगा झंडा लगाने की सजा मात्र 4 घंटे में मिल जा रही है, क्योंकि इनको किसी बेटी को साइकिल पर छेड़ने की और दुपट्टा दुपट्टा खींचने की सजा इनको मात्र 8 घंटे में मिल जा रही है। तो इस वजह से इनको लव जिहाद करने को नहीं मिल रहा है, लड़कियां हमारे जैसे कन्फ्रंटेशन को सुन करके हिंदू बेटियां भी सोच रही हैं कि ना ना ना, एक्चुअली में ये मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरा धर्म परिवर्तन करा करके ये जन्नत में अपने लिए 72 वर्जिन हूरे फिक्स कर रहा है, इसलिए हमें मुसलमान मर्दों के चक्करबाजी में नहीं आना है। आप सोचे गायत्री जी, जो मुसलमान मर्द अपने कौम की, अपने हम कलमा की बेटी को, लड़की को 3 तलाक मुंह पर चिपकाने से पहले 3 सेकंड सिर्फ लेता है, वो एक हिंदू घर की लड़की को छोड़ कर सेक्सुअली यूज करके छोड़ने में कितना सेकंड लेगा? शायद 1 सेकंड भी नहीं लेगा। तो ये चीजें जैसे जैसे अवेयर हो रही हैं, जितनी भी सनातन धर्म की बहु बेटियां हैं, जितने भी मर्द हैं, उन वो भी अवेयर हो रहे हैं साथ साथ कि इनका इनकी जो नीति है और इनका जो माइंड है वो डायाबॉलिक माइंड और क्रिमिनल माइंड ही है, और इनको प्रोवोक करने वाला कोई और नहीं है, इनको प्रोवोक करने वाले भारत में बैठे हुए जो मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं वही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी एक रिसेंटली क्रिकेट टीम आई हुई है पाकिस्तान से, 7 साल बाद 33 लोगों का डेलीगेशन है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? जी देखिए, मुझे तो ये हाउस पार्टी समझ में नहीं आ रही है गायत्री जी, मुझे ये हाउस पार्टी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि लोग मुझे इस पर नेगेटिव कहें, पर मुझे ये हाउस पार्टी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ हमारी आर्मी जो है वो अपनी जानें गंवा रही है, एक तरफ हमारी आर्मी है जो जान पर खेल करके हमारे देश को, हमारे भारत को सुरक्षित रखती है, एक तरफ हमारी आर्मी है जो सीने पर गोली खाती है, और ना जाने कितनी माएं जो हैं वो कलपती रहती हैं अपने गोद सूनी होने पर, कितनी कितनी बेटियां हैं हमारे भारत की जिनकी मांग सूनी हो जाती है, कितने बच्चे हैं हमारे भारत के जो अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि इन आर्मी के जवानों जवानों की वजह से आज हमारा भारत सुरक्षित है। आज हम चीख चीख करके
इतना इतना प्राउड फील करते हैं कि डिफेंस हमारा जो है वो चौथे पोजीशन पर है, छू करके हमें कोई दिखाए कि भारत भारत क्या है वो हमारी आर्मी बता देगी। तो जहां एक तरफ आर्मी हमारे लिए अपनी जान को जान नहीं समझ रही है, अपने परिवार को परिवार नहीं समझ रही है, वहां पर इन पाकिस्तानी गधेड़ों की फौज को बुला करके और यहाँ पर मैच कराने का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, मुझे एक चीज बहुत पसंद आई कि गेरवे स्कार्फ से उनका स्वागत किया गया, और बेशर्मों को देखिए कितने बेशर्म है कि पैसा कमाने के चक्कर में गेरवा भी ओढ़ लिए। यही गेरवा अगर एक बाप का पैदा है, ये अकबर बाबर अगर वाकई में एक बाप का पैदा है और गधे का पैदा नहीं है, तो यही गेरवा पहन करके दोबारा पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतर करके दिखा दे, तब मैं समझूंगी कि ये पाकिस्तान के प्लेयर में दम है। अदरवाइज मैं समझ लूंगी कि गिरगिट की तरह ये लोग रंग बदलता है और पैसे कमाने के लिए जो बोला जाएगा वो कर देगा। जी बिल्कुल सही। तो मिर्ची लगाने का सिलसिला जारी है भारतीय मुसलमानों का, और हमने भी कहा कि ठीक है हम मिर्ची नहीं लगाएंगे पर हम आपका स्वागत करेंगे भगवा रंग से। वैसे ये जो रंग है ये लोगों ने इसको बीजेपी से और बाकी चीजों से एसोसिएट कर दिया, बट क्या आप एक बात बताइए, सूरज की सूरज जब सुबह उदय हो रहा होता है तो भी तो भगवा ही भगवा होता है चारों तरफ, तो रंग से क्या परेशानी, भारत इसको इतना गायत्री ध्यान सोशल मीडिया में। जी जी, मैं बहुत बहुत छोटे से मैं इसको फिनिश करूंगी। सूर्य का रंग कहिए, सिंदूर का रंग कहिए, तो आप भगवा रंग को बीजेपी से ना जोड़ करके अगर सनातन धर्म से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि इस भगवे रंग से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है जिसको मैं आई डोंट हैव द अप्रोप्रिएट वर्ड टू एक्सप्लेन दिस दिस कंटेंट एक्चुअली। मैं ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म में संस्कृत जो वर्ड है, संस्कृत जो लैंग्वेज है, उसमें आपको पता है कि एक भी गलत बातों का उच्चारण नहीं है, उसमें एक भी गाली गलौज नहीं है, उसमें एक भी वर्ड ऐसे नहीं है जिससे जैसे हम नॉर्मल उर्दू में माँ बहन की गालियां आराम से देते हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं है, क्योंकि उस लैंग्वेज को प्रथा आई है। अगर ग्रंथों को निकाला जाए तो संस्कृत वर्ड जो है उसमें उसको भगवान के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। सनातन धर्म में तलाक बोल करके कोई चीज ही नहीं है, जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिवोर्स और हम उर्दू में पढ़ते हैं तलाक, लेकिन सनातन धर्म में तलाक बोल करके कोई चीज ही नहीं है। तो इस भगवे रंग को बीजेपी से ना जोड़ करके अगर श्री हनुमान जी से जोड़ा जाए, अगर श्री श्री राम जी से जोड़ा जाए, अगर शिव जी से जोड़ा जाए, अगर सूर्य से जोड़ा जाए, अगर डूबते हुए चंद्रमा से जोड़ा जाए, अगर रेनबो से जोड़ा जाए जो आसमान पे बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा सनातन धर्म खूबसूरत दिखाई देगा, क्योंकि इतना पॉजिटिव वाइब्स आता है गेरवे रंग में कि हम भी जब अगर कभी गेरवा रंग पहनते हैं या गेरवे रंग की चुन्नी लेते हैं तो फोटोज भी बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव आती है। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये रंग और मैं इसको पहनना चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी कि वो पाकिस्तान के वो लोग जो भारत की सरजमीन पर आकर के गेरवे रंग में नहाए हैं, यही तो है जय सिया राम का नारा, यही तो है और यही होगा, भारत में आने के बाद यही होगा। तो पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भीखमंगों को एक्सपोर्ट करता है, 90% भिखारी जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं, यूएई जो है वो चिख रहा है चिल्ला रहा है कि भाई अपने भिखारियों को ले जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सच में ये अकबर बाबर ये जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर भारत की सरजमीन पर खेलने के लिए, तो इनको यहाँ की संस्कृति पर ही चलना पड़ेगा, और अगर वाकई में मुसलमान में ताकत है तो इस गेरवे स्कार्फ के साथ ही पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, और अगर नहीं उतरा तो हम में से सबको ये मान लेना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ अजमल कसब और नासिर खान जैसा बलात्कार ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। आप जिस देश में रह रहे हैं, अगर जैसे मैं और नाजिया ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, इन लोगों को जो पाकिस्तानी झंडे फहरा रहे हैं, अगर इतना प्यार है सीरियसली, तो भारत सरकार से आप रिक्वेस्ट करिए, नहीं तो मेरे ख्याल से भारत की जनता, चाहे वो जूज हो, क्रिश्चियंस हो, पारसीज हो, सिख हो, आप रिक्वेस्ट करिए, हम ट्रेन्स लगाएंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे, भारतीय सरकार को भी करने की जरूरत है, तो हम ट्रेन्स लगाएंगे, बैठिए अपना।
इस टॉपिक पर गायत्री जी, क्योंकि मैं इतने बड़े कोर्ट में एंटर करती हूँ, इस टॉपिक पर मैं उन तमाम भारत के मुसलमानों से मैं आग्रह करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वाकई में पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, तो मैं आने वाले 4 दिन के अंदर आप गायत्री जी के ही कमेंट बॉक्स में आप अपने 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 विचार को रखिए। उस कमेंट को लेकर के मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने को तैयार हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में मैं बात करने को तैयार हूँ कि इतने मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा एक कानून बना करके एक ट्रेन का व्यवस्था तो मैं आगे तो बढ़ सकती हूँ इनको इनकी जगह पहुंचाने के लिए। तो ऐसा ऐसी चीजें हो सकती हैं, पर आप यहाँ हाँ, रह करके इसलिए भारत आपको लगता है कि आप यहाँ पर खुश नहीं हैं, आपके बाप दादा ने गलती कर दी यहाँ रुककर, तो भाई बिल्कुल इंतजाम किया जा सकता है आपके जाने का। आप पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हो तो पाकिस्तान डिसीजन का है, तो हु स्टॉपिंग यू, डिसीजन जाइए। और अगर भारत में रहना है तो यहाँ का संविधान मानना होगा, भारत में वंदे भारत बोलना पड़ेगा, भारत के जनगण मन पर नेशनल एंथम पर खड़े होना पड़ेगा, भारत की संस्कृति और संस्कार को मानना पड़ेगा, और किसी भी तरीके की ऐसी ऐसी दकियानूसी हरकत नहीं बर्दाश्त करेंगे भारत के नागरिक, जिससे भारत अखंड भारत का के मान सम्मान पर 0.1% भी इफेक्ट आए या यहाँ के शांति पर इफेक्ट आए। मैं फिर से कह देना चाहती हूँ कि टिकट का पैसा मैं देने को तैयार हूँ तमाम मुसलमानों को, और हम पूरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के देंगे, आप द्वारा पूरे देंगे, जाइए आप। ऐसी व्यवस्था में हाथ डालने को मैं तैयार हूँ, जिनको जिनको ऐसा लगता है कि उनको पाकिस्तान जाकर के ही सुकून मिलेगा, मैं व्यवस्था करने को तैयार हूँ। मैं एक बेबी स्टेप तो ले ही सकती हूँ कानूनी दायरे के जी अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले हम अपना प्रॉमिस याद रखेंगे, आप लोग अनाउंस करिए आप जाना चाहते हैं, ट्रेन का इंतजाम हम लोग करेंगे। इसी के साथ एकदम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम, भारत माता की जय।